हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वीट एंड स्पाइसी कसिन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई जैसे मोतीचूर लड्डू की रेसिपी। गणेश चतुर्थी पर गणपति बाप्पा को भोग लगाने के लिए ये लड्डू घर पर बनाए। इन्हें बनाना काफी आसान है। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप बेसन लिया है। अब हम बेसन का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते रहेंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, पानी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। लम्स ना रहे इस तरह से मिलाते हुए बैटर तैयार करेंगे। मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए बैटर ना ही गाढ़ा और ना ही पतला चाहिए, मीडियम थिक बैटर तैयार करना है। एक कप बेसन के लिए टोटल एक कप पानी का इस्तेमाल करके ये मीडियम थिक बैटर तैयार किया है। अब हम बूंदी बनाएंगे। गैस पर तेल को पहले से ही गर्म होने रख दिया था। बूंदी बनाने के लिए मैंने इस तरह का जारा लिया है, जिसे हम चिवड़ा वगैरह फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जारे को कढ़ाई में ऊपर रख कर चम्मच की मदद से बैटर डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से बूंदी बन रही है। बूंदी को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से बूंदी क्रिस्पी बनेगी और अंदर से तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। अब बूंदी अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसे तेल से निकाल लेते हैं। बाकी के बैटर से भी इसी प्रकार बूंदी बना लेंगे। अगर बूंदी आपस में चिपक रही है या फिर छोटी बड़ी बन रही है तो कोई बात नहीं है, बाद में हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करने ही वाले हैं। सारी बूंदी को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। जब बूंदी ठंडी हो जाए तब इन्हें मिक्सर जार में डालेंगे। पल्स मोड पर चलाते हुए इसे दरदरा पीस लेंगे। बूंदी का मिश्रण दरदरा पीस लिया है मैंने। अब चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में 1/2 कप चीनी डालेंगे, 1/4 कप पानी डालेंगे। यहाँ पर हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ चीनी पिघल जाने तक ही इसे पकाना है। यहाँ पर लड्डू को बढ़िया सा केसरी रंग देने के लिए मैं 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। बढ़िया से मिलाकर चीनी को पिघल जाने तक पकने देंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चीनी पिघल गई है तो बूंदी वाला मिश्रण डालेंगे। चाशनी के साथ मिश्रण को बढ़िया से मिला लेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालकर बढ़िया से मिला लेंगे। सारी सामग्री के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दो चम्मच खरबूजे के बीज डालेंगे।
जब मिश्रण इतना गाढ़ा हो जाए तब इसे गैस पर से उतार लेंगे। मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब मिश्रण ठंडा हो गया है तो मीडियम साइज के लड्डू बना लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।